जय श्री महाकाल हरिहर। डायरेक्शन मैटर्स, हमारी जीवन यात्रा में दिशा बहुत बड़ा मुद्दा रखता है। यदि मानो पूरा एफर्ट पे एफर्ट करे जा रहा है पर दिशा ही सही नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। खीला कहाँ ठोकना है ये नहीं पता, कहीं पे भी ठोके जा रहा है, कहीं पे भी गड्ढा करा जा रहा है और उसको लग रहा है कि वहीं से अपन को ऑयल मिल जाएगा, वहीं से उनको खदान मिल जाएगी। पहले लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, पहले डायरेक्शन पता करना होगा कि किस दिशा में मानव को अपनी यात्रा करनी है। ठीक है, मानव की आज जो यात्रा हो रही है उनकी दिशा ही गड़बड़ है। ठीक है, जो कंफ्यूज पर्सन है, जो भ्रमित मानव है, वो हमेशा अटक जाता है, स्टक हो जाता है। कहाँ स्टक हो रहा है? ज्यादातर जो स्टक हो रहा है वो सफर कर रहा है और जिंदा रह रहा है। कहाँ पे? उनके माइंड में, माइंड में अंदर वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है नेगेटिव थॉट्स का। खच पच पूरा चल रहा है अंदर पूरा मान जाती में फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए उनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है और फिर सिर दर्द होने लग जाता है, फिर हेडेक होने लग जाता है, माइग्रेन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत ट्रैफिक है, बाहर बहुत आदमी अच्छा दिख रहा है, दिखने से अच्छा नहीं होता है, आंतरिक से होने से होता है। अंदर पूरा जिगजैग, कोई अलाइनमेंट नहीं है थॉट्स के मूवमेंट का, पूरा हॉच पॉच, पूरा ट्रैफिक पे ट्रैफिक, कोई अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए अंदर ही अंदर आदमी के विचार टकरा रहे हैं। ट्रैफिक में होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे टकरा रही है विचार, और इसलिए उनके अंदर क्या हो रहा है, एक भयपूर्ण विजन क्रिएट हो रहा है, हॉरर, डरावना। उनको जो भी उनकी दृष्टि बन रही है आगे फ्यूचर को लेके, वो बहुत ज़्यादा भयपूर्ण बन रही है, और जिस कारणवश उनके जीवन का जो कला रह रही है, जीने की कला में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है, बवंडर मचा हुआ है, ढंग से नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो और वो उनकी जो भी आउटपुट आता है उसमें दिखता है मानो, इसलिए ये बात कही जा रही है क्योंकि वो गलत दिशा में निर्धारित है। आज जितना भी आदमी एफर्ट करे जा रहा है, उनको लग रहा है कि जमीन को खोदते जाओ और पूरा कंस्ट्रक्शन कर डालो, पूरा मैन्युफैक्चर कर डालो, उसी में ऑपरेशन करते रहो, उसी में मेंटेनेंस करते रहो, यही जिंदगी है। मानव का उद्देश्य क्या है ये नहीं पता और वो करे जा रहे कर्म, तो क्या होगा? इसलिए जीवन में उनके पास उद्देश्य नहीं, इसलिए भय ही भय है उनके जीवन में, हॉरर विजन है उनका, इसलिए उनकी दृष्टि में पूरा भय बड़ा भरा है, इसलिए वो सफर कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा दुखी पीड़ित है वो, सब कुछ प्राप्त करके भी वो सबसे ज्यादा दुखी पीड़ित में है, संकट में है, कष्ट में है, चिड़चिड़ापन में है, घबराहट में है और ज्यादा समस्या से भरे पड़े हैं। तो ये क्यों हो रहा है? पूरी ट्रबलफुल लाइफ है, एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा है, तो क्या आदमी राइट आउटपुट दे सकता है? देगा बस बाहर ही अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, पर आंतरिक सुखी नहीं कर सकता मानव को, क्योंकि अंदर तो मानव दुखी है ना,
पीड़ा में, संकट में, तो जो व्यक्ति के अंदर होता है वो ही दे सकता है। मानव के अंदर जो है वो ही देगा। क्या है? वो दुखी से भरा पड़ा है, वो संकट से भरा पड़ा है, कष्ट से भरा पड़ा है, बेचैनी है, घबराहट है। क्या इकट्ठा करा मानव ने? क्या इकट्ठा करा? शिकायत, निंदाएं, अभाव, सब पूरी भरी पड़ी। तो क्या है, कोई शांति रह सकती है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कितना भी शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर लो, बाहर से यज्ञ कर लो, भंडारा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सन में आ रही बात, बाहर ली दुकोचला है सब चीज। इसलिए हर मानव जाति को अब जागृत दिशा की ओर आना होगा, जागृत प्रवाह की ओर आना होगा, जागृत निर्वाह की तरफ आना होगा, जागृत फ्लो में आना होगा, अवेकन ह्यूमन फ्लो में होना होगा। वही क्लियर सोल ट्रैक में जी रहा है, जो आत्म दिशा और पथ पे चल रहा है, उसी को बोलते हैं परमात्, परम अर्थ में जो मार्ग में चल रहा है वो परमार्थ मार्ग है। वही वो पथ ही जीवन में महत्वपूर्ण है और यही इसी दिशा में आना हर मानव जाति। उनका जो विजन है बहुत ही हार्मनी में है और बहुत ही डिलाइटफुल है। जो दृष्टि है बहुत सुगम है, सुलभ है, सरल है, और इसी में मानव जाति को जो सौभाग्यपूर्ण, सौभाग्यशाली और पूरी मानव जाति को संपूर्ण रूप में वैभव प्रदान करेगा, ये दृष्टि ही प्रदान करेगी, ये कला ही काम करेगी, और जो कि कला होगी बहुत ही ज्यादा स्मूथ, विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, और यही कला चाहिए हर मानव जाति। बाहर सीखने आ रहे आर्ट ऑफ लिविंग, क्या पकड़ में आ रहा है? दिशा ही नहीं पता चली तो आर्ट कहां से आएगा? दिशा पहले आना पड़ेगी, फिर दृष्टि जगेगी, दृष्टि जगने के बाद फिर कला जगती है। सही समझ में आ रही बात? इसलिए हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ आना होगा जागृत परमात्मा मार्ग में ही, उसी बहाव में आना होगा, जागृत मानव के बहाव के साथ चलना होगा, जो कि आत्म प्रवाह में है, आत्मनिर्वाह में है और आत्म बहाव में है। उन्हीं के साथ हमें चलना होगा, तब हमें जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा और आनंद मिलेगा। और हर मानव जाति को हम ये प्रोवाइड कराएंगे, यही चाहिए पूरी मानव जाति। आज पूरी मानव जाति खाली की खाली है, इसलिए हर मानव जाति को इस दिशा में ही आना है। ठीक है, जागृत दिशा की ओर आइए, फिर आंतरिक स्वरूप में हर मानव जाति में संपूर्णता में समझदारी आएगी। डायरेक्शन से ही मानव के जीवन में, दिशा से ही उनके जीवन में समझ आती है, ज्ञान आता है और जागृति आती है। जब तक दिशा सही नहीं मिलेगी तब तक मानव जाति के जीवन में दृष्टि नहीं जग सकती, और जब तक दृष्टि नहीं जगती तब तक मानव जाति में कला सही आ नहीं सकती, और जब तक मानव में कला नहीं आ सकती तब तक मानव क्या खाक सुखी कर पाएंगे हम, और दुखी के दुखी पीड़ित में चले जा रहे हैं। इसलिए आप सही दिशा में
प्रवाह में होइए, सही दिशा में।